हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नियो अकेडमी में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लिंग सीखेंगे। लिंग के बारे में यहां से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, वैसे स्पेशली UP SSC में एक क्वेश्चन जरूर आता है। अभी आपका हाल ही एग्जाम हुआ था लेखपाल में, वहाँ भी एक क्वेश्चन आया था। और जो आपके एग्जाम में आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी एक क्वेश्चन लिंग से आया था, इस टॉपिक से। तो मित्र, आइए हम देखते हैं आज कैसे इन टॉपिक को कैसे क्लियर करें, ताकि जो कन्फ्यूजन होता है वो ना हो। आज की इस वीडियो में मित्र, हम लिंग के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, उन सब बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग विस्तार से एग्जाम्पल लेकर के अपने जो है डिजिटल बोर्ड जो है अपने लोगों का उस पर जो है अध्ययन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कर सकें और जो है एग्जाम में उसी में से आ जाए। ठीक है दोस्त, तो आइए वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। लिंग, लिंग किसे कहा जाता है? पहला तो यही है, लिंग किस भाषा का शब्द है? पहले तो आप लिखिए लिंग का शताब्दिक अर्थ क्या होता है, उनको हमें लिखना है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त, उसको लिखा जाए पहले। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह कह सकते हो, या चिन्ह अथवा क्या होता है दोस्त? अथवा निशान होता है। क्या होता है? निशान, एक तरीके से पहचान कर सकते हो। ये हो गया, क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता, लिंग किस भाषा का शब्द है? दूसरे पॉइंट पे लिखिए, लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है, क्लियर हुआ इतनी बात। तीसरे पॉइंट पे लिखिए आप, लिंग की अवधारणा, लिंग की अवधारणा धारणा का मूल क्षेत्र क्या है दोस्त? जीव विज्ञान है। अवधारणा का मूल क्षेत्र क्या बताएंगे आप? जीव विज्ञान है। जीव, क्लियर हुआ इतना। लिंग का आशय लिखिए, तीसरे चौथे पॉइंट पे लिखिए, लिंग का आशय क्या है? लिंग का आशय, आशय शब्द की जाति से है, जाति से है, क्लियर है। इसके बाद आप लिखिए लिंग की, लिंग नोट में डाल के लिखिए, लिंग की पहचान कैसे करेंगे? नोट में लिखिए, लिंग की पहचान जो है कैसे करेंगे आप? लिंग की पहचान किसी शब्द में, किसी शब्द के आगे, के आगे विशेषण शब्द लगा करके, विशेषण शब्द लगा करके, शब्द लगा करके आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता, क्लियर हुआ दोस्त। जैसे विशेषण शब्द में जैसे कौन होता है? अच्छा, अच्छी, अच्छा लगा सकते हैं, या अच्छी, और क्या होता है? मेरा, मेरी। इन शब्दों को लगा करके आप आसानी से जो है विशेषण को पहचान सकते हैं, कि कौन सा इसमें विशेषण है, किसमें किसमें नहीं है। तो इतना पॉइंट आप इसे नोट डाउन करिएगा, इसको लिखिए। ठीक है दोस्त, लिखिए। इसके बाद हम लोग अब क्या देखते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा लिखते हैं हम लोग, लिंग की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए, क्लियर।
संज्ञा के जिस शब्द से प्राणी वस्तु में नर अथवा मादा जाति का बोध होता है, मादा जाति का बोध हो उसे दोस्त क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, क्लियर हुआ इतना बात? इतने पॉइंट आप जो है नोट डाउन करिए ताकि जो है आपका कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन गलत ना हो, जो जो चीज पूछेगा दोस्त इसी हिसाब से आप लगाइएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे लिंग के प्रकार कितने प्रकार होते हैं इनको देखेंगे हम लोग, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं इनको देखते हैं। इतना हो गया, अब लिंग के कितने भेद होते हैं पूछा जाता तो आप क्या बताएंगे, लिंग दो प्रकार के होते हैं, क्लियर। दो प्रकार के कौन, एक स्त्रीलिंग एक पुलिंग, पहला लिखिए, पहला और दूसरा पुलिंग, दूसरा क्या होगा दोस्त, स्त्रीलिंग, क्लियर हुआ। एक ये दो हिंदी में, अगर लिंग पूछता है लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्त आप क्या बताएंगे, दो प्रकार बताएंगे। अगर पूछा जाता है संस्कृत या अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे दोस्त, आप तीन बताएंगे, नपुंसक लिंग, ठीक है। ऐसे लिंग कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाता है आपका तो आप क्या बताएंगे, दो प्रकार के बताएंगे। अगर संस्कृत या अंग्रेजी में लिंग पूछता है तो आप तीन बताएंगे, क्लियर हो इतनी बात। पुलिंग किसे कहा जाता है उनकी परिभाषा लिखिए, पुलिंग, पहला लिखिए पुलिंग, पुलिंग जो है पुरुषत्व का बोध कराता है, पुलिंग जो है पुरुषत्व का बोध कराता है, का बोध कराता है पुलिंग, उसे कहा जाता है जिस शब्द से परिभाषा लिखिए, जिस शब्द से पुरुष या नर जात का बोध हो, नर जाति का बोध हो उसे जो है पुलिंग कहते हैं, क्लियर हुआ इतना बात। जैसे लड़का हुआ, देश के नाम हुआ, ये सब आपके किस में आएगा, पुलिंग में आएगा। जैसे लड़का, बैल, ये सब जो है पुलिंग में आएंगे। और इसके बाद दोस्त आता है स्त्रीलिंग परिभाषा क्या कहती है, जिसमें स्त्रीत्व का बोध हो उसे जो है दोस्त स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीत्व का बोध होता है। जिस शब्द से स्त्री अथवा मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की हुआ, गाय हुआ, ये सब जो है किसमें आएंगे, आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। लड़की, गाय, ये सब जो है आपका स्त्रीलिंग में आएंगे।
नपुंसक लिंग उसे कहते हैं दोस्त जिसमें जड़ पदार्थों का बोध हो, मतलब निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, उसे स्त्री लिंग कहते हैं। एक और आपका आ जाएगा उभय लिंग, आप इसी के सामने उसका भी परिभाषा आप लिखते चलिए, उभय लिंग किसे कहा जाता है, उभय लिंग किसे कहा जाता है। आप अगर आपसे अगर लिंग पूछा जाता है कितने प्रकार के होते तो आप दो बताएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर संस्कृत में पूछता है तो आप कितने बताएंगे, तीन बताएंगे। तो अब इसकी परिभाषा लिखिए, हम लोग लिखते हैं कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं, जो दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं, दोनों लिंगों मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उन्हें जो है, उन्हें दोस्त क्या कहा जाता है, उभय लिंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, आप एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कौन कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्त, उभय लिंग उसे कहा जाता है जितने भी पोस्ट हैं, जितने पोस्ट के नाम है यहां आप लिख सकते हैं, जितने पोस्ट के नाम है सब के सब जो है उभय लिंग में आते हैं। जितने पोस्ट के नाम किस में आते हैं दोस्त, उभय लिंग में। देखिए प्रधानमंत्री हुआ, मंत्री हुआ, वकील हुआ, इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, ये सब किस में आएंगे दोस्त, उभय लिंग में आएंगे। तो क्लियर हुआ, लिंग अगर पूछा जाता है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो दो बताइएगा, अगर संस्कृत या अंग्रेजी में लिंग पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं तो आप तीन बताइएगा। ठीक, क्लियर दोस्त। अब आते हैं हम लोग, इतना तो हम लोगों को जानना है, जरूरी था बेसिक चीजें। अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमें देखना है, आगे क्या पढ़ना, अब हमें पढ़ना है पुल्लिंग। पुल्लिंग में पुल्लिंग किसे, अब एग्जाम्पल हमें पढ़ना है पुल्लिंग के बारे में, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ शब्द जैसे नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे कुछ शब्द जो होते हैं, आप हेडिंग डालिए पुल्लिंग में, आप पुल्लिंग हम पढ़ते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम कहें, जैसे तोता हुआ, एग्जाम्पल लिखे, तोता हुआ, खटमल हुआ, बिच्छू हुआ, तोता, खटमल, बिच्छू, खरगोश हुआ, खरगोश, कौवा, पक्षी, कौवा, खरगोश, बिच्छू, खटमल, तोता, ये सब देख रहे हैं, ये सब हमेशा सदा के लिए जो है पुल्लिंग ही होंगे। क्लियर हुआ, ये सब बातें जो है दोस्त हमेशा के लिए जो है पुल्लिंग ही होगी। और इसमें एक दो एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे भेड़िया हुआ, ये सब जो है नित्य पुल्लिंग है दोस्त, हमेशा जो पुल्लिंग ही रहती है। इसको हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें कह सकते हैं नादा मादा जोड़ के, मादा हुआ, नर या मादा जोड़ करके हम, कौवा हो गया, कौवा, कौवा तो लिखा गया है, कौवा हो गया। अब इसके आगे इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर कौवा या मादा कौवा हम लोग लगाते हैं बस, लेकिन जो है ये नित्य है। अब इसके बाद दूसरे हेडिंग को और बढ़ते हैं, पुल्लिंग जो है समूहवाचक संज्ञा जितनी होती है पुल्लिंग होती है, समूहवाचक संज्ञा सभी के सभी दोस्त पुल्लिंग होते हैं। सिर्फ जो है स्त्रीलिंग हम अपवाद में लिख लेते हैं, कौन अपवाद में, जैसे कि सभा जो है, सभा और समिति जो है दोस्त, समिति जो है ये स्त्रीलिंग बातें हैं, बाकी सब के सब जो है झुंड सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद हम पूछे देशों के नाम जो है दोस्त, देशों के नाम जो है सभी के सभी किसमें हैं, पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन श्रीलंका जो है एक अपवाद है, श्रीलंका जो है किसमें होगा, स्त्रीलिंग में होगा,
क्लियर, सभी देशों के नाम हो गया, सभी महीनों के नाम, सभी महीनों के नाम, महीनों के नाम स्त्रीलिंग सॉरी पुलिंग होते हैं, लेकिन चार महीना है ऐसा कि जो स्त्रीलिंग होता है हम उनको यहाँ इसी के सामने लिख लेते हैं। कौन कौन है? जनवरी हो गया, इसके बाद फरवरी हो गया, मई हो गया, और इसके बाद आपका जुलाई हो गया। तो चार महीनों के सभी के नाम जो होते हैं पुलिंग होते हैं, चार महीना जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। वर्णमाला के सभी वर्ण जो होते हैं क्या होते हैं? वर्णमाला में, वर्णमाला के सभी वर्ण, सभी वर्ण जो हैं मुख्यतः जो होता है क्या होता है? सॉरी पुलिंग होता है। इसमें तीन हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं? छोटा ई, बड़ी ई और री जो होता है ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी के सभी आपसे पूछा जाता है कि वर्णमाला के जो है वर्ण जो है मुख्यतः कौन से लिंग के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप जो है पुलिंग बताएंगे, वहां ऑप्शन लगाएंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। और स्त्रीलिंग देख रहे हैं, छोटी बड़ी और री जो है स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? अब पर्वतों के नाम सभी के स्त्रीलिंग होते हैं, अनाजों के नाम हुआ, अनाजों के नाम में कुछ जो है फीमेल होते हैं। तो ये सब बातें जो है दोस्त हम लोग जो है डिजिटल अपने अपना कह सकते हो अपना डिजिटल बोर्ड जो है उस पर ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, ताकि जो है पूरा का पूरा जो है हमारा पूरा जो एम्स है गोल्स है आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वो सब बातें हम लोग डिजिटल बोर्ड पर अपने करेंगे, और बाकी जितना समझाना था हम समझा दिए हैं, बाकी अब उसको हम जब करेंगे अपने सब लोग तो साथ में उसको सीखेंगे अच्छे तरीके से। अब जैसे नित्य हो गया, नित्य हमने पुलिंग बताया कि हमेशा के लिए नित्य पुलिंग ए होते हैं शब्द, नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं। मैना जैसे हो गया, मैना क्या है? नित्य स्त्रीलिंग है। तो इन सब चीज़ों को हम कंपेरिजन करके सीखेंगे, ताकि जो है आने वाले टाइम में हमारा कन्फ्यूजन ना हो, और कैसे आप स्त्रीलिंग और पुलिंग को पहचानते हैं या कैसे करने का तरीका है वो भी तरीका हम लोगों ने सीख लिया है। कल की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा जो है अपने जो है डिजिटल बोर्ड पे जो है उस पर बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है मित्र, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, आप अगर बनाए होंगे तो उसमें ऐड करिएगा, देखिएगा कि हमने क्या, हमारे पास क्या उसमें मैटर नहीं, क्या हमने हमसे छूटा है, उसको आप और ऐड कर लेंगे तो आप बेहतर एक बेहतर तरीके से आपका मैटर तैयार हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। खुद का नोट्स दोस्त, खुद का नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे, कहने की बात नहीं, आप सब समझदार हैं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।